Welcome to my vlog, guys. I'm here in Porbandar today, and we have come from the hotel to check out one of the oldest house that I have ever seen in my life. And I think ये घर कुछ 100-200 साल पहले खरीदा गया था, और मैंने पढ़ा है कि ये घर में कुछ 22 कमरे हैं. So I'll just give you a house tour of this old house. And चलो साथ साथ और planning भी बनाते हैं उसके बाद क्या करेंगे हम लोग. We'll go to Dwarka. So that was room number one. वैसे छोटा सा घर है ये और एक छोटा सा कमरा. यहाँ पे open terrace है. Do you have any idea how much would it cost now if somebody wants to buy this? This would cost in crores actually. Crores? Yeah. It's a three-story building. Three-story building, yeah, of course. But यहाँ पे ऊपर और नीचे आने जाने का एक कमाल का जरिया है. मैं दिखा रहा हूँ आपको. I don't know how much ये GoPro को कैप्चर कर पाएगा. हम इस लो लाइट में ये उतना कुछ खास नहीं करते हैं. अपन जाएंगे अभी स्टेयर कैसे जो बना है लकड़े से, और ये पकड़ने के लिए रस्सी लगा है. कोई एडवेंचर ना. आप स्टेयर कैसे दिखा दीजिए. इट्स क्वाइट स्कैरी. जस्ट बिहाइंड मी लगी यार अंगूठे पे. चलो दैट वाज 1 2 3. दिस इज रूम नंबर 4. Maybe this is 5. This is 6. Bulbulaya ki tarah banaya hua hai pura ghar. 6. Wow. Chote hain kamre but lekin 200 saal purana ghar hoga to uske hisab se definitely acche hi honge. This so 6 hua hai. DJ mare do. This is 7. Ye middle wala bara hai. 3. This is I don't know 8 hoga ya usko passage mein gina jayega. No, this is a room only, right? And this is 9. I love this one. Yahan se bahar ka nazara bhi kafi acha hai. Sorry yaar, forgive my Hindi. Main dikhata hu, ye dekho full khile hain. Must one. Yeah, must hawa bhi chalti hai. This is 9, right? Abhi Tulsidas staircase. Someone is coming. So Dwarka ke liye kab nikalna hai? Dwarka ke liye we are on next 1 hour. Kitna baje le gaya? 12. Oh. 1 बजे चेकआउट करना पड़ेगा ना होटल से. मेहनत लगती है नहीं चलने को. ले लीजिए हम लोग जाएंगे. थैंक यू. और दूसरा स्टेज. और एक छोटा सा ये 10 11 और ये 12 नंबर के कमरे. आई रेड इट रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. कहते हैं ना सर डॉलर जरा खुलता नहीं है क्या? लॉक्ड. घर का कुछ एक्सटेंडेड पार्ट भी है जो आप यहाँ पे मतलब बाहर से निकल के आ सकते हो, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. मैं वापस जाने के टाइम पे दिखाता हूँ. बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स. चलो अंदर चलते हैं. अंदर ना एक पुराने ज़माने का ट्यूबवेल देखा है, चला के देखते हैं अगर वो चलता है कि नहीं, पानी निकलता है कि नहीं. लेट्स ट्राई. ऑसम मैन. तब
इतना बड़ा घर हो और इतने सारे कमरे सूझो ये नहीं तो सलाइस है I'm asking her to try. Doesn't work? Okay, leave it. चलो फिर ये घर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब द स्पॉट मैं दिखाता हूँ और आखिर में बोलूँगा वो क्या ठीक है सो द स्पेशल मार्क दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वन रिमेंबर दिस अब मैं नहीं बताऊँगा आपको ये क्या है ब्लॉग के आखिर में बताऊँगा चलो अभी निकलते हैं सो पोरबंदर से इतना ही नथिंग मच तो अभी अपन निकलेंगे द्वारका के लिए वन ओ'क्लॉक तो यहाँ से मेरे ख्याल से एक घुमा के शॉट ले लेते हैं So guys, what I was talking about is that पीछे यहाँ पे भी और एक जहाँ से लेना है सेल्फी लेना जरूरी है सो वट आई वॉज टेलिंग यू इज दैट आई एम हेयर इन पोरबंदर टू विजिट द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी एंड द स्वास्टिक that you saw in the video was the exact place where Mahatma Gandhi was given birth. So, निकलते हैं अभी गाड़ी के लिए चलते हैं यो मेरा चप्पल चप्पल नहीं मिल रहा So that is it. इसको बोलते हैं कीर्ति मंदिर यहाँ पे एक चार रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे होटल से अभी जाने के टाइम पे इधर से जा पाएंगे अगर गाड़ी रिवर्स हुआ तो ये चार रास्ता को क्या बोलते हैं अंकल इसको मानिक चौक बोलते हैं मानिक चौक बोलते हैं ना हाँ हाँ इसको मानिक चौक बोलते हैं मस्त पुराने ज़माने के स्टाइल पे दरवाजे बने हैं जैसे वो अहमदाबाद अपना बड़ौदा का पानी गेट वगैरह जैसा बना है उस टाइप का एक शॉट लेते हैं इधर से फिर निकलेंगे अपन चलो हाथ डूब रहे यार एक हाथ से पकड़ पकड़ के हाथ चेंज कर देते हैं तो पीछे गया मेरा मानिक चौक आगे कीर्ति मंदिर जो महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस है जो हमने देख लिया है अभी अभी फटाफट अपने को होटल पहुंचना पड़ेगा नहीं तो लगा देंगे लेट चेकआउट चार्जेस लेट्स गो So that's all from Porbandar. I hope you have enjoyed the vlog. Or will network coming? Thank you so much for watching, guys. Please do subscribe and share. Adios. Bye.